हेलो माय फ्रेंड्स, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ स्टेट। तो LICAO का एग्ज़ाम हुआ था अगस्त के अंदर, 17 अगस्त के अंदर इसका एग्ज़ाम हुआ था, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो 2020 में, मतलब पिछले साल निकला था। तो ड्यू टू कोविड एग्ज़ाम लेट हो गया था। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम की कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितनी जा सकती है, और इस साल भी नोटिफिकेशन आएगा LICAO का। शायद मेरे हिसाब से दिसंबर जो महीना होगा उसके अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जो 2021 के अंदर नोटिफिकेशन आएगा और एग्ज़ाम होगा आपका 2022 के अंदर। तो दिसंबर से पहले पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा इस साल का। ये जो वीडियो है पिछले साल के एग्ज़ाम के बारे में है। तो एग्ज़ाम तो हो गया था, तो मैंने एग्ज़ाम दिया था। मेरा एग्ज़ाम था आईटी ऑफिसर का, तो AAO IT ऑफिसर, AAO IT ऑफिसर का मैंने एग्ज़ाम दिया था। और मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने लीगल और CA का भी एग्ज़ाम दिया था। तो ये पूरी वैकेंसी, जो अगर मैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की मैं बात करूँ, AAO 168 वैकेंसीज निकली थी। और अगर मैं IT जो मेरा था सेक्टर उसकी मैं बात करूँ तो 50 वैकेंसी थी ऑल ओवर इंडिया। तो जो एग्ज़ाम सेंटर में जो एग्ज़ाम दे के आया था वहाँ पे फुल भीड़ थी, मतलब आप कह सकते हो कि 70 to 80% अटेंडेंस थी। तो इस एग्ज़ाम के लिए, मतलब जो ये 168 पोस्ट टोटल, इसके लिए मेरे हिसाब से कम 50,000 से अधिक लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा। क्योंकि जो मेरा आया था सेंटर उसके अंदर ही मेरे हिसाब से लगभग 1,000 लोग तो थे ही थे, 1,000 नहीं तो 800 तो थे, क्योंकि पूरा कॉलेज था। और जो एग्जाम हुआ था वो 2 शिफ्ट के अंदर हुआ था, डे शिफ्ट और एक हुआ था आफ्टरनून शिफ्ट। तो एग्जाम ये हुआ था एग्जाम। और अगर मैं एग्जाम की बात करूँ कि एग्जाम मतलब कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह जा सकता है इसके अंदर, तो हम नीचे चलते हैं। देखो यहाँ पे आपने ये देख ली होंगी वैकेंसीज वगैरह कितनी थी, और ये अगर इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ये सिविल इलेक्ट्रिक वाले का इसका एग्ज़ाम हुआ कब था, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरा आइडिया है। तो ये आपने भी अगर एग्ज़ाम दिया हुआ है, अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो 1 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है, 60 मिनट मिलते हैं और 20-20 मिनट हर एक सेक्शन में मिलते हैं, जिसमें रीजनिंग आता है, न्यूमेरिकल आता है, इंग्लिश आता है। तो जब एग्ज़ाम हुआ था तो सबसे पहले इंग्लिश आया था, और उसके बाद शायद रीजनिंग आया था, फिर आया था आपका क्वांट आया था। तो ये इनका था सेक्शन जो सबसे पहले इंग्लिश आया था। मतलब मैक्सिमम अगर IBPS की मैं बात करूँ, IBPS अगर बैंक PO का एग्ज़ाम लेता है, चाहे वो SBI हो, चाहे वो जितने भी बैंक्स हो, चाहे वो RRB हो, तो उनमें भी हमेशा इंग्लिश ही आता है फर्स्ट में। तो इंग्लिश आया था आपका सबसे पहले, तो इसका सीरियल और इंग्लिश होगा फर्स्ट, सेकंड आपका रीजनिंग होगा, थर्ड आपका न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये एग्जाम का था पैटर्न, और 60 नंबर का 20-20। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो उसमें लिखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज विल बी इन क्वालिफाइंग नेचर। तो जो इंग्लिश नेचर इंग्लिश था इसमें आपको मिनिमम नंबर लेके आने हैं। तो मेरे हिसाब से आपके इंग्लिश में अगर 12 नंबर भी आ रहे हैं 30 में से, या 14 नंबर भी आ रहे हैं, अगर इनके बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप इंग्लिश में पास हो, तो इंग्लिश के मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे। तो जो भी मेरिट आएगी, जो भी कट ऑफ आएगी, वो 70 नंबर पे आएगी, क्योंकि 35 रीजनिंग के और 35 आपके न्यूमेरिकल के, तो 35-35 70 नंबर हो गए। तो ये जो 70 नंबर है इनके बेसिस पे आपकी कट ऑफ आएगी। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। तो जो रीजनिंग का था पेपर वो आपका इजी टू मॉडरेट था। तो इजी टू मॉडरेट था उसका पेपर, कुछ एक पजल थी जिसके अंदर कि यहाँ पे कुछ आदमी है बैठे हुए, और वो कुछ मतलब ये था कि एक कितने 6 लोग थे, तो 6 इधर बैठे थे, 6 ऊपर थे बैठे, और उनको कुछ फ्रूट्स अच्छे लगते थे, मतलब इसको ये फ्रूट अच्छा लगता है, इसको ये फ्रूट अच्छा लगता है, वो आमने सामने बैठे। तो ये वाली जो थी पजल, ये थोड़ा हार्ड लेवल या मीडियम टू मतलब हार्ड बोल सकते हो, इसने मेरा टाइम ले लिया था ज़्यादा। मुझे इस पजल को स्किप था करना, वो मैंने स्किप नहीं किया था, मैं इसको सॉल्व करने बैठ गया था, और इस पजल ने मेरे 5 मिनट ले लिए थे।
तो अब हो सकता है कि इस वजह से मैंने कुछ, आप बोल सकते हो कि 35 में से जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन थे वो तो मैंने देखे नहीं, तो वो भी एक पजल थी, वो मेरी पूरी की पूरी पजल छूट गई थी। तो जो रीजनिंग, सॉरी रीजनिंग की बात हो रही है, तो जो 35 नंबर का जो पेपर था उसमें से अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो आपके मतलब इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। तो अगर आपके 25 नंबर भी आ रहे हैं, 25+ आ रहे हैं, तो आप अच्छा स्कोर है आपका। मैं इंग्लिश मतलब रीजनिंग एबिलिटी को अपने हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अब यार ये डिपेंड होता है कि कितने कैंडिडेट आए थे, क्योंकि मेरा जो था सेंटर उसमें बहुत ज़्यादा आए थे कैंडिडेट। हो सकता है कि जो आपका रहा हो सेंटर उसमें इतने लोग ना आए हो, और मेरे हिसाब से 50,000 लोगों ने फॉर्म इसका डेफिनेटली भरा था, क्योंकि आपको ये चीज़ होनी चाहिए पता, हर साल इंजीनियरिंग से 10 लाख स्टूडेंट पास होते हैं, हर साल 10 लाख स्टूडेंट पास होते हैं। और वो लोग इसका अभी आप देख सकते हो कि उनमें से 10 लाख में से 1 लाख तो पेपर देते ही देते हैं, जितनी भी आईटी पोस्ट निकलती हैं, 10 में से अगर 1 लाख पोस्ट एग्जाम दे रहे हैं, और 1 लाख में से कुछ ऐसे भी लोग हो चुके हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं पास, जिनकी बीटेक 2017 में हुई थी, 18 में, 19 में, या 20 में बीटेक हुई थी, वो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं। तो इसमें से कम बता रहा हूँ आपको, 50,000 तो लोगों ने दिए ही दिए पेपर थे। हो सकता है कि 1 लाख आए फॉर्म, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका, किसी को कोई आइडिया नहीं है। अगर आप नेट पे देख रहे हो इतने लोगों ने फॉर्म भरा है तो वो गलत है, क्योंकि आईबीपीएस कभी भी ये नहीं बताता है कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कितने एग्जाम आए थे, जब तक पूरा रिजल्ट नहीं आ जाता है। तो रीजनिंग की बात हमारी हो चुकी है, मैं हटा देता हूँ इनको। और अब बात हम करते हैं न्यूमेरिकल की। तो जो न्यूमेरिकल का था आपका एग्जाम, वो यार मुझे मॉडरेट लेवल का लगा था, मतलब मॉडरेट टू हार्ड के बीच में था पेपर। क्योंकि यहाँ पे आपका पेपर, अगर ये आपका आता है मीडियम, जैसे ये हो गया इजी टू मीडियम, तो रीजनिंग यहाँ आ रहा था आपका, मतलब मीडियम के जस्ट क्लियर था, और ये जो था ये मॉडरेट और हार्ड के बीच में था। डेफिनेटली ये मॉडरेट और हार्ड के बीच में था, इसे मॉडरेट नहीं कह रहेंगे। न्यूमेरिकल का पेपर मेरे हिसाब से हार्ड पेपर आया था, क्योंकि अगर आपने एसबीआई पीओ का एग्जाम दिया है उस लेवल का, उसके जैसा ही लेवल था, क्योंकि एसबीआई पीओ का सबसे हम हार्ड पेपर मानते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो ये भी कुछ ऐसा ही सेक्टर है। तो सेम इसका सिलेबस रहता है, सिलेबस अगर आपको नीचे देखना है तो सिलेबस दिखा देता हूँ, अगर आपको आइडिया नहीं है तो सिलेबस का, ये सिलेबस रहता है आपका क्वांट एप्टीट्यूड का। तो इसमें डीआई आता है, और फिर कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, प्रॉफिट लॉस आते हैं, मिक्सर एलिगेशन आते हैं, रीजनिंग का तो सबको होता है पता है, इंग्लिश का मतलब जो आपने आज से इंग्लिश पढ़ी है सारी इंग्लिश आती है, फिलिंग द ब्लैंक्स, एरर, एरर स्पॉटिंग इंग्लिश में इस बार हार्ड आया था, ईजी नहीं था, हार्ड था इंग्लिश के अंदर। अब हम फिर से बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं था, तो जो 30 नंबर का, नहीं सॉरी ये कहाँ आ गया, ये रहा, हाँ, तो ये 35 का जो एग्जाम था न्यूमेरिकल एबिलिटी का, यार ये मेरे हिसाब से जो डीआई आई थी इसके अंदर एग्जाम के अंदर, मैंने सिर्फ 2 डीआई ही अटेम्प्ट की थी, हो सकता है कि 3 डीआई हो, और उन दोनों में से 1 डीआई आप कह सकते हो कि इजी सी थी, मतलब इजी से थोड़ा सा ऊपर थी, और दूसरी जो डीआई थी वो मॉडरेट लेवल की थी, मॉडरेट टू हार्ड के बीच में थी, क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी। आपने कुछ डीआई देखे होंगे जिसमें आपको जैसे वो दे देगा कि 94 × 61 × 0.04 ऐसे कुछ दे देगा, कुछ ऐसे डीआई थे जिसमें कैलकुलेटिव डीआई आप बोल सकते हो, और वो आपका बहुत टाइम ले जाती है। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने उस क्वेश्चन में सिर्फ 30 सेकंड बिताए, बट एक्चुअल में आपने उस क्वेश्चन में 1.5 मिनट बिता दिए होते हैं एक क्वेश्चन के अंदर। अब आप देख सकते हो कि 20 मिनट के अंदर आपको 35 क्वेश्चन करने हैं, और डीआई के अंदर अब मैं बता रहा हूँ कि बहुत कैलकुलेटिव डीआई थी, इजी डीआई नहीं थी, एक एक क्वेश्चन आपका 1.5 मिनट ले रहा था, उसके बाद भी कुछ श्योरिटी नहीं थी, कुछ क्वेश्चन में अप्रोक्स वैल्यू भी लिखी हुई थी, तो डीआई आसान नहीं थी। जिन लोगों के लगता है कि हमने सिर्फ डीआई देख लेंगे हो जाए काम, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा ठीक ठाक था, नहीं अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन आया था शायद मेरे हिसाब से, तो वो थोड़ा मतलब इजी टू मॉडरेट के बीच में था। और अब आती है बात आपकी उन 10 क्वेश्चंस की जो एग्जाम में हमेशा आते हैं, वो आपका आता है टाइम एंड वर्क से, सिंपल इंटरेस्ट से, प्रॉफिट लॉस से, एवरेज से। ये जो 10 क्वेश्चन थे यार, ये इनमें से मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन इजी लगा 10 में से,
10 में से सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे इजी लगा, बाकी सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। अगर आपका मतलब बेस बहुत स्ट्रांग है तो ही आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक एग्जाम प्रेशर भी होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ पे अपने लैपटॉप या फोन पे अगर अपने घर पे बैठ के पेपर देते हो तो हमसे क्वेश्चन हो सकता है कि सॉल्व हो जाए उस टाइम फ्रेम के अंदर जितना आपने सोचा है, बट एग्जाम के अंदर एग्जाम प्रेशर भी होता है। उस टाइम आपका पेन या आपका दिमाग हो सकता है कि उस टाइम सही से काम ना करे, तो वो पेपर हार्ड था, तो मैं ये बोलूंगा। तो न्यूमेरिकल के अंदर भाई मैं सच बोलूं तो मेरे 17 नंबर ही मैंने अटेम्प्ट किए थे, मतलब 17 नंबर ही मेरे आएंगे न्यूमेरिकल के अंदर, क्योंकि ये पेपर हार्ड था मेरे हिसाब से। बट इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो नेगेटिव मार्किंग की नहीं थी, बट मुझे इतना लग रहा है कि मेरे 17 क्वेश्चन ही सही थे, बाकी कुछ अब कुछ तुक्का लग गया तो अलग बात है, बट ये पेपर सच बता रहा हूँ, ये पेपर हार्ड था, बिल्कुल भी हलवा पेपर नहीं था मेरे लिए। मतलब हलवा नहीं था एग्जाम, अब हो सकता है कि आपके लिए हलवा एग्जाम रहा हो कि अगर आपकी मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो, क्योंकि मैंने अभी RRB का भी एग्जाम दिया था, उसमें भी मैं थोड़े से नंबर से रह गया था, तो मतलब मैं एग्जाम दे रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, बट एग्जाम का जो लेवल है वो टफ था, क्योंकि ये LIC AA का एग्जाम, बट इस लेवल का एग्जाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ये मेंस भी लेंगे। अगर ये मेंस नहीं लेते, सिर्फ आपका मतलब कुछ पेपर होते हैं ऑफिसर स्केल के जिसमें सिर्फ एक लेवल का एग्जाम होता है, अगर वो होता तब हम बोल सकते थे हाँ यार आपने ऐसा क्यों किया, तब हम बोल सकते ठीक है चलो कोई बात नहीं, बट इसके अंदर ये चीज गलत थी जो मुझे सही नहीं लगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि न्यूमेरिकल इतने हार्ड देने का कोई भी तुक नहीं निकलता है। तो अब आती है बात कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी 50+ नंबर आपके आने चाहिए, तभी आप कट ऑफ क्लियर हो पाओगे शायद शायद शायद, क्योंकि यार कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे। अगर ये 50+ आउट ऑफ 70 है, क्योंकि इंग्लिश के नंबर नहीं आएंगे, तो इतना कट ऑफ जाने का उम्मीद है। डिपेंड होता है कि कितने कैंडिडेट आए थे, उनका पेपर कैसा गया, आपका एग्जाम कैसा गया। मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया था जैसा मैं सोच के गया था, क्योंकि पेपर थोड़ा सा हार्ड आ गया था, थोड़ा भी नहीं यार हार्ड ही था एक्चुअल में। तो ये मेरा अंदाजा है कि कट ऑफ इतने जाने की उम्मीद है। तो अगर आपका कोई भी कमेंट हो या कुछ भी आपको चीज़ पूछना हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला या कुछ एक्चुअल में आपको पता लगा है कि एग्ज़ाम कैसा आता है, या आप एग्ज़ाम दे चुके आपके साथ भी ऐसा हुआ है, और बस इतना ही। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।